दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही चैनल उषा की किरण में। आज हम बात करेंगे दोस्तों आइशर प्रो 6042। जी हाँ दोस्तों, 6042 के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। इस गाड़ी के अंदर और बाहर केबिन के अंदर की क्या सुविधाएं हैं, क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। इवन इस गाड़ी के प्राइस के बारे में बताऊंगा और इस गाड़ी का क्या माइलेज है, उन सब चीज़ के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने उषा की किरण चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, रिव्यू को हम शुरू करते हैं। आइशर 6042 जो है दोस्तों, आपको 42,000 किलोग्राम के GVW के अंदर आती है। इस गाड़ी के अंदर आपको दोस्तों दो तरह के लोडिंग स्पान प्रोविजन मिल जाते हैं, 28 फीट और 30 फीट। आपको ये जो गाड़ी है, फेस काउल एंड चेसिस, केबिन विद चेसिस और केबिन विद लोड बॉडी ऑप्शंस, यानी कि तीन तरह से आपको इस गाड़ी को खरीदने के यहाँ पे प्रोविजंस होते हैं। फिलहाल हम आज जो बात कर रहे हैं, ये 28 फीट लोडिंग स्पान की बात कर रहे हैं, जो कि HSD वेरियंट है। इस गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको जो केबिन मिलता है, ये फुल्ली सस्पेंडेड केबिन मिलता है, जिसके अंदर आपको फ्रंट में एंटी रोल बार जैसी फैसिलिटी मिल जाती है, जो कि ड्राइविंग कंफर्ट को काफ़ी बढ़ाती है। फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन मिलता है, वो यहाँ पर सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन विद टेलीस्कोपिक शॉक एब्जर्वर फंक्शन आपको यहाँ पे फ्रंट की साइड में मिल जाता है। वहीं दोस्तों, इसके अंदर आपको जो केबिन मिलता है, उसको आप हाइड्रोलिक रूप से टिल्ट करने के प्रोविजन के साथ में इस गाड़ी को खरीद सकते हैं, जो कि आपके फटीक को काफ़ी कम करती है। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको, अगर हम इसके ग्रॉस व्हीकल वेट के अलावा अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें कि इतने पे लोड्स को ले जाने के बावजूद ये गाड़ी आपको माइलेज कितना देगी, तो दोस्तों लगभग 3.5 से लेकर 4 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से ये गाड़ी आपको इजीली माइलेज देने में सक्षम होती है। यहाँ पे दोस्तों आपको इस गाड़ी के अंदर 14 चक्का मिल रहे हैं, यानी कि 14 टायर मिल रहे हैं। अगर हम टायर साइज की बात करें तो आपको 295x80 R22 कि आपको ट्यूबलेस टायर आपको फ्रंट में मिल जाते हैं, और पीछे की साइड में आपको जो टायर मिलते हैं 10R20 इंचेज के 16 ply रेटिंग के रेडियल टायर आपको पीछे की साइड में मिल जाते हैं, जो कि ट्यूब टाइप टायर होते हैं। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको जो चौड़ाई मिल रही है ओवरऑल, वो मिल रही है 2481 mm की, और व्हील बेस जो है इस गाड़ी का आपको 6600 mm के आसपास मिल जाता है। वहीं आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वो 267 mm का यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों अगर हम इस गाड़ी के चेसिस थिकनेस की बात करें, तो 7 mm का आपको चेसिस थिकनेस मिलता है, डोमेक्स फ्रेम के ऊपर इसको बनाया गया है। और इसके अंदर दोस्तों आपको जो डीजल टैंक है, वो आपको 350 लीटर का प्लास्टिक पॉलीमर डीजल टैंक इस गाड़ी के अंदर मिलता है, जो कि काफ़ी ड्यूरेबल होता है। यहाँ पे आपको रस्ट वगैरह लगने जैसे कि कोई समस्या नहीं होने वाली है। और साथ ही दोस्तों आपको 33 लीटर का यहाँ पर एड ब्लू टैंक भी मिल जाता है, क्योंकि ये जो गाड़ी है SCR टेक्नोलॉजी पे काम करती है, इसलिए इसके अंदर आपको एड ब्लू भी डालना पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको ग्रेडेबिलिटी जो मिलती है क्रॉलर गियर के साथ में, वो 27% की मिलती है, और इस गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसके अंदर मैक्सिमम मिल जाती है। दोस्तों इस गाड़ी के अगर हम इंजन के बारे में आपको और बताएं, तो यहाँ पर वॉल्वो आइशर के जॉइंट वेंचर के स्वरूप आपको जो इंजन मिलता है, वो VEDX5 SCR टेक्नोलॉजी वाला इंजन मिलता है, जो कि 5131 cc का 4 सिलेंडर इंजन होता है, जिससे हमें 210 हॉर्स पावर की पावर मिलती है 2200 rpm के आसपास, और टॉर्क मिल जाता है हमें 825 Nm का 1200 से 1600 rpm के आसपास। यहाँ पर इसके अंदर जो क्लच का यूज किया गया है, वो 430 mm डायमीटर वाले क्लच का क्लच बूस्टर फैसिलिटी के साथ में आपको यहाँ पर ये क्लच जो है इस गाड़ी के अंदर मिलता है। साथ ही आपको इसके अंदर जो ट्रांसमिशन मिलता है, वो 9-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ET9-speed वेरिएंट के अंदर भी मिलता है, और ZF9-speed वेरिएंट आपको ऑप्शनली लेने का भी यहाँ पे प्रोविजन होता है। चलिए दोस्तों केबिन के अंदर की बात करते हैं। डोर के ऊपर आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, ग्लास अप एंड डाउन करने के, डोर अनलॉक और लॉक करने के। साथ ही इसके अंदर आपको जो ड्राइविंग सीट मिलती है, उसको आप 6-way डायरेक्शन में एडजस्ट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से चलाने के लिए। और दो प्रकार की सीट मिलती है, यानी कि दो सीट इस केबिन के अंदर मिलती हैं, एक ड्राइवर और एक को पैसेंजर या एक को ड्राइवर के लिए। ड्राइविंग सीट को आप जो है, अगर हम बात करें इसके कंफर्ट की, तो यहाँ पर अच्छे थाई सपोर्ट वाली सीट्स मिलती है, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ में ये सीट आती है दोस्तों, और काफ़ी कंफर्टेबल है।
और केबिन के अंदर दोस्तों काफ़ी सारी जगह है, क्योंकि दो ही लोगों की लिए दो सीट है, तो जगह ही जगह है इस केबिन के अंदर। और इस केबिन के अंदर दोस्तों आपको पीछे की साइड में ड्राइवर के आराम के लिए स्लीपर बर्थ का भी प्रावधान होता है। केबिन के ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर आपको 3 स्टेप्स मिल जाते हैं, जिनके ऊपर पैर रख करके आप आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं, क्योंकि गाड़ी की हाइट थोड़ी ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों इस गाड़ी की कीमत के बारे में मैं आपको बता दूँ तो लगभग 31 लाख से लेकर के 34 लाख के प्राइस रेंज के अंदर ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम प्राइसेज में अवेलेबल हो जाती है। और पावर स्टीयरिंग मिल रहा है यहाँ पे आपको टिल्ट विद टेलीस्कोपिक फंक्शन के साथ में, साथ ही क्रूज कंट्रोल जैसी फैसिलिटी भी मिल रही है, जो कि लंबी दूरी तक ड्राइविंग को आसान बनाती है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर आपको डिजिटली रूप से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं, आपको सारी की सारी जो भी आपको ज़रूरत है ड्राइविंग के दौरान वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर अवेलेबल हो जाती हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं, राइट हैंड साइड में आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के कंट्रोल मिल जाते हैं, साथ ही आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह के भी कंट्रोल राइट हैंड साइड के लीवर के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। इस गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको एग्जॉस्ट ब्रेक, एयर ब्रेक और ABS फैसिलिटी मिलती है। और इस गाड़ी के अंदर आपको स्टैंडर्ड रूप से ब्लोअर तो मिलता ही है, लॉकेबल एक ग्लोबॉक्स भी मिलता है नीचे। यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी मिल जाती है। और दोस्तों पीछे की साइड में केबिन के पीछे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी विंडो भी देखने को मिलती है, जिससे कि आप पीछे का भी ख्याल रख सकते हैं देखने के लिए। तो इस तरह की ये गाड़ी है दोस्तों, जिसके प्राइसिंग और इसके स्पेसिफिकेशन हर चीज़ के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की है। इवन आपको इसके माइलेज के बारे में भी बताया कि 3.5 से 4 किलोमीटर प्रति लीटर का ये माइलेज आपको आराम से देगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस जानकारी को आप अपने दोस्तों में भी शेयर करना चाहते हैं तो आप उनको भी ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आपके कोई भी फीडबैक है या कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों आप टाटा, भारत वेंज, अशोक लेलैंड और आयशर, इन सब गाड़ियों के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने हर कंपनी की, हर गाड़ी की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन के अंदर दे दूंगा, तो आप उसे भी जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना, कल फिर मिलूंगा किसी नए रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। स्टे कनेक्टेड विद उषा की किरण माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।